रोहित शर्मा द लीडर भी कह चुका हूं और मुझे बहुत पसंद आते हैं रोहित, एक लगता है कि यार ये इज अ गई नेक्स्ट जिस तरीके से वो ग्राउंड पे बिहेव करते हैं जो भी सुखते हैं इवन ऑफ द फील्ड जब भी हम उनसे बात करते हैं तो इट इज अ डिफरेंट फीलिंग सो वो एक चीज तो है और मेरे ख्याल से उसका फर्क पड़ा है इस टीम में वो आप देख सकते हैं जो भी यंगस्टर्स आए हैं इतने सारे डेब्यू डांस जो खुल के खेल सकते हैं फ्रीली खेल सकते हैं तो वो एक एनवायरमेंट क्रिएट करने में कामयाब रहे हैं जरूर उनको साथ मिला है सपोर्ट स्टाफ का राहुल द्रविड हो या पारस मामरे विक्रम राठौर दिलीप जो फील्डिंग कोच है पूरा एनवायरमेंट जो है वो काफी रिलैक्स दिखता है और कप्तानी टैक्टिकली मैं कहूंगा काफी अच्छा रहा थोड़ा सा मेरे ख्याल से इस चौथे टेस्ट मैच के पहले इनिंग्स में लग रहा था कि बीच में शायद थोड़ा सा ड्रिफ्ट करने दे रहे लेकिन इस पूरे सीरीज में अगर आप देखें कि आप राजकोट वाला उठा के देख ले सेकेंड डे इंडिया वो बिहाइंड जब वो बेन डकेट का आया लेकिन अगले दिन ही यू सॉ द इंडियन बोलर्स फाइट बैक फील्ड प्लेसमेंट अलग थे इस टेस्ट मैच में भी अगर आप देखें तो पहली इनिंग्स लीड तो इंग्लैंड को मिली थी लेकिन जिस तरीके से फाइट बैक किया आ, मेरे ख्याल से वो बताता है कि जो टैक्टिकली कितने सक्षम है कितने स्ट्रॉन्ग है आ, रोहित एंड एंड दैट इज इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो एनवायरमेंट की जो मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि अगर ट्रांजिशन पीरियड है और नए प्लेयर्स हैं तो उनके लिए वो एनवायरमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि जहाँ पे आके उनको ऐसा ना लगे अरे मैं डोमेस्टिक क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट आ गए जो जंप है उसको मैनेज करने के लिए मेरे ख्याल से वो एनवायरमेंट बहुत जरूरी होगा वो क्रिएट किया गया है जो कि अच्छी बात है और बैटिंग भी अगर आप देख ले तो शुरुआत के दो टेस्ट मैचेस में रन उतने ज्यादा बने नहीं लेकिन हमने ये पहले भी क्या है और मैं ये मानता हूं कि रन बनाना और अच्छा खेलना कभी कभार दो अलग चीजें होती हैं तो अच्छी बैटिंग तो वो कर ही रहे थे लेकिन वो जो सॉ बनाया था तो सिर्फ नॉर्मल तीसरे टेस्ट मैच में लेकिन उसके बाद इस टेस्ट मैच में भी अगर आप वो रन चेज की बात करें जब तक वो आउट नहीं हो रहे वो जो स्टम्पिंग हुए वो तब तक ही वॉज लुकिंग वेरी गुड अटैक डिफेंस हर चीज आई थिंक सेट इट अप तो एज अ बैटिंग और देखिए ये प्रेशर में तो वो थे इसमें कोई दो राय नहीं है पिछले टेस्ट मैच में भी एक एक की बराबरी पे थी अः सारे यंग बल्लेबाज जैसे जैसे मैं कहता हुआ हूं कि सिर्फ वो और जडेजा टॉप साथ में ऐसे हैं जो कि खेल चुके हैं काफी क्रिकेट तो वो एक अलग दबाव है कप्तानी ऊपर से सीनियर बैट्समैन तो कहीं ना कहीं उस प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया है रोहित ने बतौर बल्लेबाज और कप्तान भी